नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज मैं इंडिया और इंग्लैंड का मैच देख रहा था, क्रिकेट मैच। आई एम श्योर आप लोग भी देख रहे होंगे। मैच के दौरान मेरा ध्यान गया तेंदुलकर के ऊपर। आप भी नोटिस करिएगा कि तेंदुलकर किस तरह से जियो सिनेमा को प्रमोट कर रहे हैं फॉर वॉचिंग मैचेस। ना इधर ना उधर, इस बार टाटा IPL सिर्फ जियो सिनेमा पर। Now that made me thinking, Bharat Ratna is the most prestigious award in this country. वो Bharat Ratna Reliance को promote करे, कुछ हजम नहीं होता। Bharat Ratna awardee को बहुत सारे perks दिए जाते हैं, जिसमें से एक perk ये भी है कि उसके ऊपर income tax नहीं लगता। Primarily because उन्होंने सोचा होगा कि Bharat Ratna या तो मरणोपरांत मिलेगा या ऐसे लोगों को मिलेगा, शायद उनकी कोई इनकम ही नहीं होगी, या अगर होगी भी तो देश के लिए काम करने के लिए होगी। नाउ आई डोंट ग्रज कि तेंदुलकर पैसा बनाएं, पर अगर पैसा बना रहे हैं तो उनको कम से कम अपना इनकम टैक्स देना चाहिए। वो एग्जम्पशन यूज़ नहीं करना चाहिए जो उनको भारत रत्न की तरह से मिलता है। अगर ऐसे लोगों को और भी लोगों को भारत रत्न मिलने लगा और वो बिजनेस करने लगे तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस हो जाएगा, क्योंकि उनको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्सेशन नहीं, एंड देन दे कैन शो ऑल द इनकम दे वॉन्ट। सचिन का घर अभी दिखाया था एक किसी चैनल पे, मैं देख रहा था, वो अपने घर का एग्जीबिशन कर रहे थे। इट वॉज़ अ टिपिकल न्यू रिच हाउस। जिस आदमी के पास सडनली बहुत पैसा आ जाता है वो एक होटल जैसा घर बनाता है, और तेंदुलकर का घर बिल्कुल वैसी लग रहा था जैसे कोई 5-star होटल बनाया हो, एंड उसको बड़े शान से दिखा रहे थे। आई डोंट नो हु ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस, आइदर ही शुड सरेंडर हिज भारत रत्न और बिहेव लाइक वन। इस बारे में आपका क्या विचार है मित्रों, ज़रूर बताएं।